सैटैनिक बिस्किट है। नीचे छः छः दिख रहा है, ये भी एक सैटैनिक नंबर ही है। मगर कि ये है क्या? ये सैटैनिक सिंबल्स की बुक है जिसमें पूरे सैटैनिक सिंबल्स हैं और ओरियो। अब हम ये दो तोतों के बारे में बात करेंगे। इधर को इस्लाम धर्म के ABCD के बारे में भी कोई मिनाती का एक सिंबल उनके भी शर्ट पे है। सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक तरफ से तुम्हारा, जैसे कि इससे पहले अपन भगवान लग ट्रैप की वीडियो बनाए थे, तो वैसे ही आज की वीडियो होने वाली है अपनी इन्फॉर्मेशन टाइप रिएक्शन वाली, जो अपन दूसरी चीज़ों के याद रिया करेंगे। इससे पहले भगवान लग ट्रैप के बारे में आप लोगों को बताए थे, अभी भी इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, मगर दूसरे टॉपिक से उन लोगों में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। तो आज के इस वीडियो की पहली टॉपिक है हमारी यूपी के एक दरगाह की। दरगाह का नाम है दरगाह जिंदा शाह मदार, जहाँ पे दरगाह के सामने खाने काबा का एक डुप्लीकेट बना है और उसके गोल तवाफ कर रहे ना चादर लेके। जैसे कि आप लोग देखे दरगाह के गोल फिर रहना है चादर लेके, ये देखने के बाद तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं क्या बोलूं भाई, आप लोग दरगाह को जाओ, मैं खुद भी जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर कि ये है क्या? ये मतलब दरगाह के सामने आप खाने काबा बना के उसका गोल तवाफ फिरने का क्या मतलब? कुछ बोले जैसा नहीं है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। और ये देखने के बाद तो समझ नहीं आएगा इंडिया में पागलों की कमी नहीं है, और कौन से दीवाने के दिमाग में आइडिया आया ये। उससे भी हाईलाइट यहाँ के मुलसाबा मौलविया, जिसको मालूम है गलत है, उल्लंघन कर रहे हैं क्या ये देखने के बाद भी। अब हम ये दो तोतों के बारे में बात करेंगे जिसमें से एक का नाम है सीमा हैदर और एक का नाम है सचिन। सीमा हैदर का ये बोलना है कि इन पाकिस्तान से आए, मतलब प्लेन से नहीं आए, बॉर्डर क्रॉस करके आए। कई को आए बोल तो सचिन की मोहब्बत में। एक तरह था सलमान भाई मुन्नी को छोड़ने गए थे पाकिस्तान को, और वो मुन्नी आज बड़ी होके सचिन के मोहब्बत में वापिस इंडिया आ गई। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नक्को ले लो। सीमा हैदर जो है अकेले नहीं आए पाकिस्तान से, साथ में अपने चार बच्चों को भी लेके आए। और सीमा हैदर की ये टॉपिक पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, कई को बोल तो सीमा हैदर मुसलमान है या नहीं है, मैं आज आपको ये वीडियो में बता देता हूँ। और रही बात उन पाकिस्तान से आए या नहीं आए, ये चीज तो मेरे को भी कन्फर्म नहीं है, फिर भी आप लगा है कि ये पाकिस्तान की एक वीडियो देख लो। उसका एक्सेंट है पति पत्नी भैया दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। ये सुनते हैं जो उसके इंटरव्यूज, आप वहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो, देखिए 3 दिन के अंदर वो सारी हिंदी अगर सीख गई है तो 27 साल वो खुद को कह रही है कि मैं 27 साल की, तो 27 साल में तो उर्दू भूल गई हूँ, तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का ला ही नहीं आ रहा। भाई बहुत गिच्छा है ये सीमा हैदर के केस में, इतने गिच्छा है कुछ समझ नहीं आ रहा बोलूँ क्या। और जो बोले ना तो पाकिस्तान की है या नहीं है, मेरे को तो है जैसा दिख रहा है। कहीं को बोल तो इसके कितने की वीडियो सारे पाकिस्तान से, जो यहाँ पे नाच रही कर रही क्या क्या की है भाई गिच्छिया ओवरऑल, उन सबके वीडियो है तो उस हिसाब से दिख रहा है पाकिस्तान से है। और बहुत गिच्छिया अगर है इनके, मतलब वहाँ पे एक हस्बैंड भी है, इनके हस्बैंड एक है, बॉयफ्रेंड अनेक है इनके। और थोड़ा उनका बोलना ये भी है कि इन्हें एक पाकिस्तानी एजेंट है, कहीं बोलते हैं इनके भाई भी आर्मी में, इनके चाचा भी आर्मी में है। नहीं 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 सारों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और रही बात सीमा के मुसलमान की, तो सीमा मेरे हिसाब से तो मुसलमान नहीं है। कई को बोलते अगर इन्होंने पहली बात मुसलमान रहते तो ये काम करते नहीं थे। और रही दूसरी चीज़, अगर मुसलमान है आप तो आपको मुसलमान के बारे में और कुरान के बारे में सब चीज़ों के बारे में मालूम रहता, तो चलो उतना भी नहीं मालूम होता नमाज के बारे में और सूरों के बारे में तो मालूम होता था, मगर अगर सीमा से अगर आप नमाज के बारे में पूछो तो उन्होंने ये बोलते जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं, फजर में 4 होती हैं। अच्छा जौहर, जौहर में कितनी होती है? जोहर में 4। मैडम को तो याद ही नहीं है, गिन लेके सोच लेके बोल रहे हैं उन्होंने 4 बल्कि। और सीमा हैदर को जब सूरों के बारे में पूछो तो इन्होंने ये बोलेंगे, आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर अभी नहीं। सना नहीं, मतलब मतलब अलहमदो की सूरत, सुभान सुभाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। पहली बात तो वो सूरत नहीं सूरा है। और जब ये सवाल कोई दूसरे रिपोर्टर इनसे पूछे तो जब इन्हें क्या बोलते हैं अपना ये देखो। कोई कुरान शरीफ का आयत वगैरह याद है, सूरह फातिहा वगैरह? सर ये बात मत करें। नहीं फिर ठीक है, चलिए आपसे ये सवाल नहीं करते हैं। सीमा हैदर से क्या है, नमाज के बारे में आप नमाज पढ़े क्या, आप रोजे रखे क्या पूछे तो उन्हें बस एक ही चीज बोल रहे हैं, रमजान रमजान रमजान, जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। पढ़ते थे आप?
हाँ मैं रमजान में, इसके अलावा नहीं, रमजान में हम रोजे और नमाज पढ़ते थे, उसके बाद में कभी नहीं पढ़े। रोजे रखते हैं आप? अब तो नहीं, पहले रमजान में रखते। साल में कितने बार? बस रमजान में। मेरे ख्याल से सीमा हैदर खाली रमजान के मुसलमान थे, कुछ भी करे तो ना सिर्फ रमजान में करे। अब जैसे कि आप लोगों ने देखे सीमा हैदर से पूछने के बाद उन्होंने बोले कि मेरे को सूरह याद नहीं है, सब ऐसा ऐसा सब सुनाए। उसके बाद मैं उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो में आके क्या बोलते, आप लोग देखो। रही बात इस्लाम की और सब चीजें मुझे पता है, पैगम्बरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, रमजान के बारे में सब पता है मुझे, पर मैं कहती नहीं क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, यही रीजन है मैं कुछ नहीं कह रही। एक का तो हो रहा, किसी एक का तो हो। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ था कि इन मुसलमान होते नहीं, और मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, जो जो इनसे इंटरव्यू लिया, जो जो रिपोर्टर इनसे मिले, उन्होंने सब यही बोल रहे हैं कि इन मुसलमान होते नहीं। बल्कि सीमा हैदर को इस्लाम धर्म के ABCD के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, सीमा हैदर को इस्लाम धर्म का कोई कलमा याद नहीं है, सीमा हैदर को इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज होती है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सीमा हैदर को किसी भी एक आयत, किसी भी एक सूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब बढ़ते हैं हम हमारी तीसरी टॉपिक की तरफ, जो है भगवा लव ट्रैप। इससे पहले भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया, मैं समझा था ये बात मतलब खत्म हो गई है, मगर के नहीं ब्रो, जिससे इससे पहले जितने हम वीडियोस पे बनाए थे अब उससे ज्यादा वीडियोस हमारे पास आ गए भगवा लव ट्रैप के, मगर के मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग सामने वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो में होता क्या बोल, तो मैडम जो है एक हिंदू बच्चे के साथ कोर्ट मैरिज करने वाली थी, मगर इनके घर वालों को मालूम हो गया और रिलेटिव इनके सामने रिश्ता लाने की एक बात करे, तो जब आप लोग इनका रिएक्शन देख सकते कि अपने दारों से कैसा बात कर रहे थे और बोले थे कि मेरे पापा के बगैर यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलता, मगर इन शादी करने चले गए थे। रिश्ता लेके आई हूँ तेरे लिए। बोला कौन यहाँ पे घर पे एड्रेस? अरे तेरे तेरे बारे में, तूने अच्छी लड़की है, शरीफ है, कहाँ गए? नहीं आना चाहिए। आज तक कभी रिश्ता नहीं आया? ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल। शादी करना है नहीं करना है? धमकी? हाँ धमकी करेगी ना। अब्बा अब्बा के बिना परमिशन? पक्का अब्बा को मना लेंगे, अब्बा की परिचय नहीं करती ना, अब्बू नहीं करेगी ना, अब्बू के नहीं, पक्का बोल, अब्बू की परमिशन के बगैर नहीं करेगी। सिर्फ देखो वादा ले रही हूँ, चल चलो बच्चा। नहीं वादा वादा हाँ, लेकिन नहीं करेगी, बोल ना, अब्बू की परमिशन के बगैर शादी नहीं करेगी। अरे मेरा बच्चा, मैं तो अच्छी बात बोल रही, इतना हाथों बोल दे, मगरी का टाइम अल्लाह कबूल कर ले, पागल बोल, मैं अब्बू की मर्जी के बगैर शादी नहीं करूँगी। अब्बू के बिना मगरी इतना पत्ता भी नहीं हिला सकती। बराबर, शिवा भगवान दास राठौर, कौन है? ये तेरी लिस्ट है, तूने रजिस्टर मैरिज के लिए अप्लाई की है? नहीं। तारीख बताती हूँ, तेरा फोटो दिखाओ। 28/7 को इसने हिंदू लड़की के साथ शादी के लिए अप्लाई करी है, और इसकी शादी है, रजिस्टर मैरिज है इसकी, 28/8 के दिन इसकी शादी है उस लड़के के साथ। उसका एड्रेस देती हूँ आपको, प्रियाचल मैदान नियर विठल राम पड़े विठल। तो जैसे कि आप लोग वीडियो में देखे क्या हाल है हमारे मुसलमान बच्चों का, अल्लाह हिदायत दे लोगों को। और एक ऐसी हमारे पास एक वीडियो है जिसमें ऑन कैमरा एक मुसलमान बच्ची हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मैं धर्म चेंज करना चाहती हूँ, मैं हिंदुओं में जाना, मतलब हाँ जी कन्वर्ट होना चाहती हूँ। हिजाब उतार दो अपना, और ये चुन्नी के रूप में रख लीजिए, इसको चुन्नी के रूप में रख लो गले में, और सिर पे हल्का सा, नहीं सर पे रखते हैं ना, सिर पे रख लो, मंत्र उच्चारण होंगे ना, है ना, हमारा धर्म परिवर्तन हो रहा है। अल्लाह ऐसे लोगों को क्यों कर हिदायत दे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए? क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मुकाबला करता है तो उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा, ये बड़ी रुसवाई है। अब जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो चांद मार्कन की है, अपने हैदराबाद की छह, और जो ये सामने बच्चा डरा डरा दिख रहा है ये हिंदू है और पीछे अपनी मुसलमान बहन है, दोनों आए थे चांद मार्क की तरफ और पकड़े गए। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी भी आ गई, वीडियो में आप लोग पूरा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हमारे इंडिया के मुसलमान बच्चियों का हाल, सुकून से खाने मिल रहा, सुकून से रहने मिल रहा, सुकून से सोने मिल रहा, तो ये लोगों क्या है देखा नहीं जा रहा। वही मैं आप लोगों को एक फलस्तीन के एक छोटे से बच्चों की वीडियो बताता हूँ, जहाँ पे उन्होंने यूट्यूब की एक वीडियो बना रहे थे इसराइल के गोलियां सुनने के बाद उन्होंने किस तरीके से अंदर भागे। अल्लाह
और एक खुशखबरी हमारे पास ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े मुसलमान बहनों को मालूम हो गया है कि एक ट्रैप है, इसलिए अल्लाह डायरेक्ट ब्लॉक कर दे रहे हैं, या नहीं तो लोगों को डायरेक्टली बोल के बात खत्म कर दे रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ओरियो बिस्किट के बारे में। अब मैं ओरियो बिस्किट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो अगर आपके पास ये है तो पहले फेंक दो, या बच्चों को आप खाते हुए देख रहे हैं तो उंगल से भी लेके फेंक दो। कहीं को बोलते हो एक सैटैनिक बिस्किट है, अब मैं इसको सैटैनिक बिस्किट कहीं को बोल रहा हूँ बोलते हो। ये बुक जो आप लोग देख रहे हैं सैटैनिक सिंबल्स की बुक है, जिसमें पूरे सैटैनिक सिंबल्स है और ओरियो भी एक है। और इससे पहले अगर आप लोग देखें तो इल्यूमिनाटी का भी सिंबल है, और एक आप लोगों को दिखाता हूँ, नीचे पढ़ लो पहले इसका नाम इविल आई, जो आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे कैप्शन पे या बायो में यूज़ करते हैं इसको। और जब ओरियो के पैकेट को आप फाड़ के और ओरियो निकाल के अगर आप देखेंगे तो साइन सेम आपको वैसे ही मिलेगा जैसा फोटो में दिख रहा था। अगर आप लोग फोटो में गौर से देखें तो ऊपर की तरफ जो आप लोगों को दिख रहा होगा सैटैनिक सिंबल वही है। ये बोल के नहीं, ओरियो बिस्किट में और भी बहुत ज़्यादा सैटैनिक सिंबल्स है, जो नीचे छः छः दिख रहा है ये भी एक सैटैनिक नंबर ही है। और जो आप लोगों को प्लस और ये जो नीचे और एक प्लस दिख रहा है ये भी एक सिंबल ही है, और जो स्टार आप लोगों को दिख रहा है ये भी एक सिंबल ही है। तो ओरियो बिस्किट में इतने सिंबल्स है और यहाँ पे पूरा सिंबल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ये सिंबल्स की बुक का ही है। येज बोलके ने अपने पूरे बॉलीवुड में भी अब ओपनली एल्यूमिनाटी को प्रमोट कर रहे हैं, लगा जैसे कि आप लोग अक्षय कुमार के शर्ट पे देख रहे चुके हैं, एल्यूमिनाटी का एक सिंबल उनके भी शर्ट पे है। और जो उन्होंने डांस करने के टाइम पे पूरा ओपनली मतलब दिखा रहे हैं, पहले ऐसा लगा डांसों पे ऐसा कुछ भी ऐसा करते नहीं थे ऐसे पागल चाले, मगर के अभी फिलहाल क्या है लगा कर रहे हैं। और अक्षय कुमार ही बोलके नहीं, विजय जो टॉलीवुड के फेमस एक्टर है, उन्होंने खुद भी अपने डांस में ओपनली शर्ट पहन के जो एल्यूमिनाटी का सिंबल दिखा रहे थे डांस करते हुए। और एंड में आप लोग अगर देखेंगे तो जब बीच में खड़े हुए और पूरे लोग थाली बजा रहे, समझ गए होंगे आप लोग क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बात करेंगे अपन और भी नए चीजों के साथ, एलजीबीटी के बारे में, एल्यूमिनाटी के बारे में, और भी आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताते रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।